जब तुम ऑफिस चले गए थे ना, उसके फौरन बाद ही ना एक औरत आई और कहने लगी कि वो इनकी दूसरी बीवी। रानी झूठ कहती थी, झूठ। I don't know, वो सच कह रही थी या झूठ कह रही थी, लेकिन उसके पास निकानामा भी। मैंने कहा ना जाली था। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं? मेरी इज्जत का मसला बना है तो मैं अपनी बात पूरी करने को पड़ी है? मैं तुम्हें कह तो चुका हूं कि तुम्हारे होते हुए मेरा किसी औरत से क्या ताल्लुक। और तुम उसकी बातों में आ गए। अगर वो सच्ची होती तो यहां बैठी होती ना। हाँ, कोई भी थी सच्ची या झूठी, लेकिन वो यहां आई क्यों थी? अब ये तो बेटा उरूज ही बता सकती है। क्या मतलब? अरूज का इस मामले से क्या लेना देना? हाँ, अरूज ने ही बुलवाया था उसे यहाँ पे। और मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये मिसेस इदरीस अहमद है। वो बहुत चालाक है बेटा, उसे पता है कि दौलत पे कब्जा तभी हो सकता है जब हमारे दरमियान गलतफहमियां पैदा हो। वरना मेरा तुम्हारे और शाइस्ता के अलावा है ही कौन? हाँ? कहाँ है अरूज? अरूज! अरूज! तुम्हारे मसले तो हल होंगे नहीं, घर की सियासत ही चलती रहेगी। मैं ऑफिस चला। इतनी बड़ी बात मैं झूठ बोलूंगी क्या? अच्छा बस एक सेकेंड। ये जो इल्जाम तुम लगा रही हो, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? तो बताओ, सबूत है तुम्हारे पास? कि तुम जो कह रही हो वो सच है? चुप क्यों हो गई हो? बोलो। औरत के पास वाहिद सबूत उसका निकाह होता है। हमारा निकाह सबूत है इस बात का।
और निकाह नामा है मेरे पास। क्या हुआ सलमान? क्या बकवास है ये? क्या किया है मैंने? बाज नहीं होगी तुम अपनी मकारियों से? कसूर क्या है मेरा? कसूर क्या? शर्म नहीं आई तुम्हें अपने बाप की उम्र के शख्स पे इल्जाम लगाते हुए? मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। ताया जाने शादी की है और शादी करना कोई गुनाह नहीं है। रुक, मेरे सामने बेतुकी बात मत करना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैंने कोई बेतुकी बात नहीं की। रूज, मैं वार्न कर रहा हूं तुम्हें, ये सब बंद कर दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सच बोल रही हूँ सलमान, मैं खुद उनसे मिली हूँ। उनके घर गई हूँ, मैंने उनको यहाँ बुलाया है। तुम उनसे बात करोगे तुम्हें वो सब कुछ बता देंगे। बंद करो अपनी। तुम कहती हो तुम सच्ची हो? तुम्हें ठीक है, आज शाम का वक्त है तुम्हें अपने आप को साबित करने का। वरना तुम सबके सामने डैड से माफी मांगोगी। कहाँ चली गई है? मैंने कहा था ना रूज, शाइस्ता महरीन से कई गुना बुरी सास साबित होगी। देख लो मेरी पेशेंट को। कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, लगता है तुम्हारे हाथों में छेद है। देखो 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 देखो, मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? नहीं, तुम्हें नहीं दिखाई देगा, मगर मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हाथों में छेद है। क्योंकि सलमान जब अच्छा शौहर बनता था तो महरीन काबू में नहीं आती थी, और जब तुम्हें मां का रिश्ता मिला तो शौहर तुमसे दूर हो गया। लगता है तुम्हें रिश्ते निभाने नहीं आते।